Oh, wow, man. How could we miss it? You just always been a tight rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. तो आज की राइड में हमारे साथ है मिथिल और अखिल, और जस्ट मैंने फ्यूल अप करवाया. हम लोग ढोली डैम जा रहे हैं, भरूच से झगड़िया, झगड़िया से राजपाड़ी, और फिर देन वहाँ से राइट लेना है. थोड़ा बहुत आपको रास्ता दिखाएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग को रास्ता नहीं पसंद होता है. क्या हो गया भाई साहब, ट्रैफिक जाम है? किस बात का जाम है? लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है भाई साहब ये तो. कुछ ठंडा करते हैं. सो हेलो हेलो अखिल. हाय हाय मिथिल. हाय. सो हम लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं. चिल स्वैग स्वैग. 30 किलोमीटर के बाद हमें राइट लेना है, और भरूच हम लोग से आगे आ चुके हैं. भरूच से आगे तो जैसे ही जो टॉल आता है भरूच का, उससे वहाँ से हमें लेफ्ट ले लेना है. फर्स्ट ब्रिज ऊपर नहीं चढ़ना है. चिलिंग करते हैं अभी, आगे का राइट चालू करते हैं, वो दिखाते हैं आपको. दिस इज राजपाड़ी, और भरूच वाले रास्ते से हम लोग आए हैं. व्हाट इज इट राजपाड़ी? यस दिस इज राजपाड़ी, और यहाँ से हमें राइट जाना है. तो यहाँ से हमें गूगल कह रहा है आराम से. अखिल भाई इनको बहुत जल्दी रहती है. ओके सो गूगल ये कह रहा है कि यहाँ से हमारी प्लेस जो है ढोली डैम वो आएगी. अगर आपको कार में आना है तो आई थिंक थोड़ा चलना पड़ेगा, इसके उस तरफ ही लगता है हमको डैम. जहाँ तक हमारी बाइक जा सकती है वहाँ तक हम जाएंगे. क्या बात है. ओह वाओ मैन, हाउ कुड वी मिस इट? एक नंबर. बहुत ही ब्यूटीफुल डैम है, मतलब सीरियसली ये डैम के बारे में मुझे पता नहीं था यार. मतलब आपको एक ऑफ बीट लोकेशन के बारे में, लोकेशन पे आना है, और बड़ोड़ा से 90-100 किलोमीटर्स के अंदर ही है. एक अच्छी राइड भी हो जाएगी आपकी, लॉन्ग राइड भी हो जाएगी, और यहाँ पे आके तो दिल खुश हो जाएगा सीरियसली. मॉनसून में ये प्लेस आई अग्री 100% बहुत ही डिफरेंट दिखता होगा, बट समर्स में भी अगर ऐसा आप देखने को मिले ना तो आपकी आँखों को एक अलग ठंडक मिलती है. सो समर्स में भी आप आ सकते हो, मॉनसून में तो आना ही चाहिए. हम लोग भी आएंगे मॉनसून में डेफिनेटली, वो तो आने ही वाले हैं. और वहाँ से हम लोगों ने ड्रोन शॉट लिया था, और वहाँ पे हम लोगों को बोट्स एंड कार दिख रही है, तो वो जाके देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. एक दूसरी प्लेस है यहाँ पे कंट्रोल करके, तो वो भी जाएंगे. वहाँ पे कोई वाटरफॉल है, अभी तो शायद पानी नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, बट वो भी देखेंगे.
बट अभी तो वहाँ पे जाना है जहाँ पे कार्स खड़ी है, बहुत सारी कार्स है। मतलब ये प्लेस यहाँ आसपास के लोगों में फेमस तो होगा भाई। आई हाय हाय, आई लव दिस काइंड ऑफ रोड सीरियसली। ऐसे रास्तों के तो हम दीवाने हैं। वूहू, ये लव माय एडवेंचर। ચલો અબ ગૂગલ મૈયા હમારા સાથ દેગી કે નહીં દેગી? કાંટોલ આમજો ભાઈ, કાંટોલ तो इधर से ही रास्ता बोल रहा है गूगल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, सो अगर आपको ऑफ रोड फन देखना है तो आगे देखते रहिए। मुझे भी कुछ नहीं पता है और इनको भी कुछ नहीं पता है। किसी ने बताया है कि भाई काटोल में वाटरफॉल होगा, तो वही देखने जा रहे हैं। एक्सप्लोर करने का हमको शौक़ है और आज हम अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। अरे भाई साहब, थोड़ा हमको भी जगह दे दो। अरे क्या उड़ा वे भाई, आराम से आराम से आराम से। લાગ્યું વાલા બૂટ ઉતરી ગયો, બ્રેક લીવર છે ને એમાં બૂટ અટકી ગયો। ઓકે થોડી નીચે બાઇક ઉતાર, એવી તે નહીં, પહેલા ની સીધી જવા દે, ત્યાંથી હેન્ડલ પકડ, નીચે જવા દે, કશું જ મહેનત ના કર, નીચે જવા દે, ત્યાંથી ટર્ન કર, અહીંથી નહીં ચડે। हम लोग फुल ऑफ रोड कर रहे हैं आज और सोच के रखा है कि जो मेन रोड होता है वो नहीं लेना है, ऑफ रोड ही लेना है। दूध मंदिर से पाछड़ा से। अच्छा चलो, मंदिर से जमणी बाजू। ઓકે થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ। સો ભૈયાને બતા દિયા હૈ હમે ઇસ તરફ હૈ લોકેશન,
जो हमको आएगा पसंद। यहाँ से कहाँ जाना है भाई, બરાબર એટલે આપણે ઉંમર નથી અવાય ને આ બાજુ, હા ઉંમર નથી અવાય, બરાબર ચાલો મળીએ, યસ એમ લઈ લેજો, એમ ની જતા જમણી બાજુ, ઓકે ભાઈ થેન્ક યુ થેન્ક યુ। સો હી કોલ્ડ મી ડોક્ટર રાઇડર એન્ડ આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ ઇટ। લદ્દાખી રાઈડ તો હો નહીં પાઈ હે, બટ એસે હી એડવેન્ચર કરતે રહેતે હમ લોગ એન્ડ આઈ જસ્ટ લવ ઇટ, આઈ જસ્ટ લવ ઇટ। ઓ વાવ, મતલબ યહાં સે ઇકો ગાડી ઉપર ગઈ હતી, વાવ સિરિયસલી, એ ભી ઇકો ગાડી કે લીએ, મારુતિ ઇકો કે લીએ અચીવમેન્ટ હે ભાઈ। એક ઇકો ગાડી યહાં પે ખડી હે, જિસને દમ તોડ દિયા હોગા કે ભાઈ આપ આગે જાઓ, हम यहीं पे खड़े हैं। ओह मैन, क्या रास्ता है ये, क्या बात है, मतलब सीरियसली पहाड़ों से पहाड़ को काट के जो पानी का रास्ता जाता है उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, वाओ। मेन रोड आमा दिख रहा है ना, मेन रोड पर जवा माटे આપડી બહેન પેલી પાસે બરાબર, એ નાનું પડે ને, શોર્ટ પડે ને, ઓકે થેન્ક યુ। तो हमारे पास 2 घंटे हैं और हम लोग अभी हैं मालसर विलेज में। सामने से जो बोट से हम लोग आए वो गांव का नाम था अस्सा विलेज, और अस्सा से हम लोग मालसर विलेज में आए हैं, और यहां से थोड़ी ही दूर पे हमें नेशनल हाईवे 48 मतलब के जो NH8 था वो हमें मिल जाएगा। सो इसी तरह इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस। बाय बाय फ्रेंड्स।